जनपद पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में एससी एसटी एक्ट के अभियुक्तों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन का अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि शनिवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 अभियान के तहत 157 अभियुक्तों का चालान किया और यह कार्यवाही देर रात तक चली थी। इसके बाद रविवार को एससी एसटी एक्ट में जो अभियुक्त वांछित थे उनके खिलाफ अभियान चलाया गया तथा 5 अभियुक्तों के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया और 2 अभियुक्तों के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जो अभियुक्त एससी एसटी एक्ट में वांछित थे उसमें सीओ खुद उनके घरों पर जाकर दबिश दिए हैं और 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आप सभी लोग भी सुन लीजिए, आप ही के गाँव में एक भारतीय रहते हैं, उनके साथ ये इसी के गाँव के दया शंकर दया इनके एक राजू नाम परिवार का कोई व्यक्ति है और 2 लड़कों द्वारा मारपीट की गई है और ये मारपीट चुनाव संबंधी विवाद को लेकर के की गई है कि उन्होंने किसी दूसरे पार्टी का समर्थन किया है। ये अत्यंत गलत बात है। इसके संबंध में थाना गीडा पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम है। दया शंकर, दया राम व देवमन ये 3 भाइयों तथा इनके 2 लड़कों द्वारा एक दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, जिसके संबंध में थाना गीडा पर मुकदमा पंजीकृत है। इसी के संबंध में इनकी तलाश की जा रही, जिसमें एक राजू नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। शेष दयाशंकर, देवमन, दयाराम और उनके 2 लड़के अभी भी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी बाकी है, लगातार पुलिस प्रयास कर रही लेकिन ये भागे हुए हैं। अगर ये तत्काल आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई होगी। इन लोगों द्वारा एक दलित समुदाय के परिवार के साथ मारपीट की गई है, जो एक बहुत बड़ा अपराध है और यह अपराध इनके द्वारा चुनाव संबंधी विवाद को लेकर के किया गया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इनमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष 5 लोग अभी बाकी हैं। दया शंकर, दयाराम, देवमन तथा उनके 2 लड़के, इनके परिवार वालों को भी अवगत कराया जा रहा है कि जहां भी हो इनको ढूंढ करके हाजिर करें, अन्यथा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और परिवार वाले अगर पुलिस की कार्रवाई में कोई विघ्न उत्पन्न करेंगे तो उनके विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। के किसी कमजोर निर्बल वर्ग के व्यक्ति को सताता है, उसके साथ मारपीट करेगा, उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जैसा इन लोगों के साथ किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष 5 बाकी हैं, शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी होगी। इन लोगों द्वारा चुनाव संबंधी विवाद को लेकर के इनके साथ मारपीट की गई है, अत्यंत गलत बात है। ये सभी को चेतावनी भी दी जा रही है कि कोई भी इस प्रकार का कार्य न करे जिससे कोई शांति व्यवस्था प्रभावित हो। कल शनिवार के दिन हमने जनपद में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए विशेष गिरफ्तारी अभियान चलाया था, जिसमें कि लंबित एनसीआर और एफआईआर में जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारियों का अभियान चला था, जिसके तहत पूरे जनपद में 157 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये कार्यवाही देर रात तक जारी रही थी। इसके पश्चात आज रविवार के दिन हमने एससी एसटी मुकदमों में जो वांछित हैं अपराधी उनके खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें कि 5 अभियुक्तों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आज 2 के खिलाफ गुंडा किया गया है और 18 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। ये सभी जगहों पर जो एससी एसटी मुकदमों में वांछित अभियुक्त हैं उनके यहाँ पर जो सीओज हैं वो स्वयं दबिश में गए थे और इसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा।